नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। जिला मुख्यालय के कुमराज कस्बे में आज दोपहर दो पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विवाद एक चाय की दुकान पर शुरू हुआ। यहां कुछ समुदाय के लोग चाय के पैसे नहीं दे रहे थे। उनका विवाद देखकर मंदिर के पुजारी पहुंचे और समझाने लगे। लोगों ने बताया कि इन युवाओं ने पुजारी के साथ अभद्रता की। इसके बाद तनाव बढ़ गया और लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। दावा किया गया कि इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने एक धार्मिक स्थल पर पत्थर फेंके। इसके बाद देखते ही देखते दोनों समुदाय के बीच मारपीट व पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं उपद्रवियों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की। पत्थरबाजी में पुलिस का एक जवान घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला कलेक्टर व एसपी कुमराज पहुंच गए हैं। कुमराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। मौके पर 5 थानों का पुलिस बल तैनात है। जिला कलेक्टर व जिला एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें व शांति बनाए रखें। आरा कोई कहीं नहीं करे। तू भी बैठ जा। सब वीडियो बना रहे हैं जी, जो कर करेंगे ना करेंगे क्या करेंगे। हाँ, हम इंद्रजी मेरे ऑर्डर अपनी दुकान को और क्या है। एसी हो जो एसी
आरोन से 5 किलोमीटर दूर और जगन्याई के ग्राम कोंदोली से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक फरार हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज लोधा लोधी समाज के लोग पहुंचे एसपी को ज्ञापन देने। आपको बता दें कि 26/4/2018 को ग्राम देदला में लोधा लोधी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था। लोधा समाज की लड़की के साथ मीणा समाज के कुछ युवाओं ने अभद्रता की एवं छेड़खानी की, जिसकी शिकायत 27 तारीख को चांचौड़ थाने में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद भी आरोपियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं आरोपी पीड़ित परिवार को केस वापस लेने के दबाव बना रहे हैं एवं जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ज्ञापन में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर समाज द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सर, ये जो मामला है, ग्राम जो बीनागंज चाचौड़ा है उसके बीच में गांव है देदला, उसमें 26 तारीख का हमारे समाज का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में क्या हुआ कि हमारा लोधा लोधी समाज का सम्मेलन था, उसमें मीना समाज से कुछ लड़कों ने हमारे समाज की लड़की को छेड़छाड़ करा, उनको पकड़ने की कोशिश करी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उसकी आज उसी तारीख को 26 तारीख को रात में जाकर चाचौड़ा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाए गए, उन पर एफ आई आर भी हो चुके, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा हुआ कि अपराधी आज तक फरार है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही ना उनको पकड़ा जा रहा है। इस बीच में वो लोग सभी लोग मिलकर जो सामने वाली पार्टी है और जो पीड़ित परिवार है, ये उनके पिताजी हैं जगदीश जी, उन पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर आप केस वापस नहीं लोगे तो आपको मार देंगे, काट देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो हमारा आप मीडिया से और शासन और प्रशासन से यही आवेदन निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ाएं और उनको सजा दिलवाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा पूरा लोधा लोधी समाज जिला ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेगा और जगह जगह चक्का जाम करेगा और हम फिर समाज के स्तर से इस केस को निपटाएंगे। लेकिन इस पर हम नहीं चाहते हैं कि कोई हम केस
कानून हाथ में ले। हम शासन प्रशासन से ही अभी निवेदन कर रहे हैं कि वो इस कार्य को जल्दी जल्दी निपटाए और अपराधियों को किसी भी तरह पकड़कर अंदर करे और उनको सजा दिलाए, ताकि एक बहन बेटी को एक न्याय मिल सके। ये किसी समाज से संबंधित बात नहीं है, हर समाज की, हर वर्ग की जो बहन बेटी है उसकी इज्जत का सवाल है। आज स्थानीय गायत्री मंदिर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कई जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। दुर्गा हमें नहीं सुन रहा, ये दुर्गा ध्यान से सुन मुझे, आपको ऑपरेशन हुआ सही दिखाते हैं। हम नहीं खेलेंगे, दक्षिणा में दे देंगे, ध्यान से सुनते जाना। आपने अभी हेरोइन दो बातन पे प्रतिबंध है, पैसे भगवान को और पहुंचिए भगवान को, दो बातें पे प्रतिबंध है। जहाँ ढोल दिया वो शुरू कर देते हैं, तेल बढ़ाओ महाराज पैसा देख जाओ नहीं चलिए। डिजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।